सोशल उर्दू कॉर्नर में हम लाते हैं आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। नाबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आज हम मक्का पाक में मौजूद हैं, मक्का पाक के जन्नत मुअल्ला में। ये हाथ अंदर कर लो, ये आप देखें जन्नत मुअल्ला। ये जो पत्थर नज़र आ रहे हैं ये कब्रें हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि कुछ अफराद जालियों को पकड़ के खड़े हुए हैं, चार दीवारी है यहाँ पे। इस चार दीवारी में ख़ास शख्सियात कह लो मदफून हैं, जिनमें हजूर पाक के चचा दादा हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौला अली के वालिद यहाँ पे मदफून है। बहुत बड़ा एरिया है, इसको डिवाइड किया गया। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ज़ियारत की जा सके। मक्का पाक में सोच से ज़्यादा ज़ियारत के मकामात हैं, कोशिश करते हैं आज उनमें से कुछ को नज़र बंद करने की। पहाड़ों को तराश कर शहर मक्का तामीर किया गया। ज़ायरीन हाजी साहिबान की कसीर तादाद मक्का शरीफ में मौजूद है। यहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे आपको, हाजी साहिबान तकरीबन नज़र आएंगे। एक काफिला जा रहा है मेरे आगे जी। अभी हम मस्जिद जिन की जानिब जा रहे हैं। इसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पर हजूर पाक तशरीफ़ फरमा हुए। हजूर पाक ने इंसानों को इस्लाम की तबलीग तो दी, इस्लाम का दर्स दिया इंसानों को, गैर मुस्लिम्स को इस्लाम का कलमा पढ़ाया। लेकिन ये वो मकाम है जहाँ पे हजूर पाक ने जिनों को इकट्ठा किया और उनको इस्लाम का दर्स देकर इस्लाम कबूल फरमाया। जितने भी जिन यहाँ पर मौजूद थे आपकी खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल फौरन कर लिया था। इस्लाम कबूल करने के बाद हजूर पाक ने उन्हें हुक्म सादिर फरमाया कि पूरे अरब में फैल जाओ।
जंगें ऐसी भी हैं जिनमें इंसानों के साथ साथ जिन्नात ने भी भरपूर हिस्सा लिया था। अच्छा जी, ये अभी आपको एक मैं मस्जिद दिखाने जा रहा हूँ, मस्जिद फतह। हजूर पाक ने जब मक्का मुकरमा छोड़ा था, मतलब कि हिजरत की थी, तो हिजरत करने के तकरीबन 20 साल बाद जब आप दोबारा मक्का फतह करके यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने यहाँ पे इस्लाम का झंडा लगाया था। मस्जिद फतह के बिल्कुल ही साथ ये मस्जिद शजर वाक़ है, ये आप देख लें, मैं इसकी तफसील भी आपको बता दूँ। ये वो मस्जिद है जहाँ पर एक मर्तबा हजूर पाक तशरीफ़ फरमा थे। एक यहूदी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक मौजज़ा दरकार है, तभी मैं आपका कलमा पढ़ूँगा। तो हजूर पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कौन सा मौजज़ा देखना है। तो यहूदी कहने लगा कि या रसूलल्लाह, वो एक मील दूर दरख्त है, उसे हुक्म फरमाए कि वो आपकी खिदमत में हाजिर हो और कलमा पढ़े। जैसे ही वो कलमा पढ़ेगा, मैं भी कलमा पढ़ूंगा। तो हजूर पाक ने उस दरख्त की तरफ अपना पैगाम भिजवाया। उस दरख्त ने जैसे ही आपका पैगाम सुना, तो उसकी जड़ें ज़मीन से उखड़ना शुरू हो गई और वो आपकी जानिब चलना शुरू हो गया। जैसे ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, अपनी सब टहनियों को आपके कदमों में झुकाया, सलाम अर्ज किया और अल्लाह पाक की शहादत बयान करने के बाद आपकी तारीफ बयान की, कलमा पढ़ा। तो जैसे ही उस रख ने कलमा सुनाया, यहूदी ने भी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। देखिए जी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हम पहाड़ों से कितना नीचे हैं। पहाड़ों को काट के इमारतें तामीर की गई हैं। इंसानी दिमाग भी कमाल का है। देखें जी, हरम पाक के बिल्कुल ही साथ है बहुत से तारीखी मकामात हैं जहाँ पे हजूर पाक रहा करते थे। पैदल सफ़र किया करते थे। कोशिश करें नंगे पांव चलने की, अगर आप यहाँ पे आते हैं ज़्यारत करने के लिए। नहीं पता कहाँ पर कदम मुबारक है। जी अभी हम आए हैं ये हरम पाक के आते में, कि अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये जो आपको एक पिलर सा नज़र आ रहा है, ये पूरा अहाता हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक था। यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियाँ
और एक बेटा पैदा हुआ। अभी हम एक ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जिसकी ज़ियारत करवाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। उस जगह की जानिब जहाँ पर सरवर कौनैन पैदा हुए थे। ये येलो कलर की जो बिल्डिंग है, जो आजकल लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यहाँ पर पैदा हुए थे। और इन तमाम पाक जगहों के वस्त में एक ऐसी बदबख्त इंसान की रिहाइशगाह भी थी जो मरते दम तक इस्लाम कबूल ना कर सका, और वो शख्सियत अबू जहल के सिवा कौन हो सकती है। ये है अबू जहल का घर। ये हरम पाक के बिल्कुल पीछे हजूर पाक की जाए विलादत के बिल्कुल सामने। मक्का पाक में मगरिब की नमाज का वक्त हुआ जाता है। ये जगह देखे, ये पहाड़ को काट के इसको सारा दिया गया है, ये पहाड़ को काटा हुआ। ये ऐसा पहाड़ है इस जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चांद को दो टुकड़े किया था। इस पहाड़ का नाम जबले अबू कुबैस है। इस पहाड़ पर तीन चार करामतें हैं जिनमें से एक आपको मैंने बता दी है। आपको हरम पाक की ये दीवार नज़र आ रही होगी, ये दीवार सफ़ा और मरवा की है, पहाड़ काट कर सफ़ा और मरवा बनाया गया है इसको। ये पहाड़ काट के इसकी दीवार बनाई हुई है, ये सफ़ा मरवा है अंदर की तरफ, जिसको सही भी कहते हैं, बल्कि जिस पर सही की जाती है। बनू अबू कुबैस, जबले अबू कुबैस, सॉरी।
مجھے نماز کا ٹائم ہو گیا، میرا خیال ہے کہ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو زیارات کرواتا ہوں۔